पे भी, यहाँ पे भी, इसको भी थोड़ा सा डैमेज दे रखा है बाघ ने। तो चले जाते थे वैसे, यहाँ पर नारियल नहीं है ना, अगर नारियल होता तो मैं यहाँ से उठा के खा लेता। पांच बच्चे बाघ ने खा दिए हैं और हमारे जाओ भगवान हम बोले। वैसे वो भूत नहीं होता, उसको बोला जाए तो वो भी एक प्रकार के देवता ही होते हैं। गूगल एडसेंस पिन आ गया है तो ऐसे ही पता नहीं कौन सा भूत होगा, तो ऐसा कुछ पता नहीं है। यहाँ देखो भाई दोस्तों, इनको क्या झगड़े हो रखे हैं। चुटकू तो यहाँ पे पूछ रखा है, अब यहाँ पे तीन दिन का केयर रहता है। तो अभी जो दोस्तों मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है, तो सुबह करीबन 8 बजे से हो रही है और भूरी अपने बच्चे को मस्त मालिश दे रहा है और हमारी छोटी सी चुन्नू मुन्नू भी आराम से मस्त से मालिश का मजा ले रहे हैं। तो इस प्यारे से मौसम के साथ, इस प्यारे से दिन की और प्यारे से व्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है। सुप्रभात दगड़ियों, प्रणाम पहला नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और प्यारे से ब्लॉग में, उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और नैनडांडा ब्लॉक के एक प्यारे से गांव ग्राम कोटा से, जहां से मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों प्रोटोकॉल के अनुसार ना, सुबह सुबह अगर अपनी ककड़ी की बेल सामने हो तो उससे एक ककड़ी तोड़ के और खा देनी चाहिए, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो 2 दिन बारिश होने के बाद भाई दोस्तों अब इंद्रदेव रेस्ट पे चले गए हैं, मतलब प्राइवेट जॉब की सैटरडे संडे की छुट्टी मनाने चले गए हैं। तो आज सैटरडे है और कल संडे है, तो 2 दिन बारिश नहीं हुएगी और सूर्यदेव ने प्यारी सी धूप पहाड़ों में खिलखिलाती हुई दे दी है। बाकी दगड़े हमारे भूरी के जो चिंटू पिंटू चुन्नू मुन्नू जितने भी थे ना, जो 6 बच्चे थे, तो उन 6 बच्चों में से ना 5 बच्चे बाघ ने खा दिए हैं और हमारे भूरी पे भी थोड़ा सा अटैक किया हुआ है। तो ये देखिए भूरी, इधर को देखो जरा, ये देखो सर पे भी थोड़ा सा अटैक किया हुआ है और यहाँ आँख पे भी थोड़ा सा अटैक किया हुआ है। तो अब इसका ना एक ही बच्चा बचा है, तो यही बचा है, बाकी 5 खा दिए हैं बाघ ने। तो आजकल दोस्तों गांव में बाघ का इतना खतरा हो रखा है ना कि सारे गांव के सारे कुत्तों पे ना थोड़ा थोड़ा अटैक किया हुआ है। तो भूरी पे भी अटैक किया था, तो भूरी तो बच गया था और जो भूरी के बच्चे थे ना, जो 6 बच्चे थे, तो 6 बच्चों में से ना 5 बच्चे उसने खा दिए हैं। फिलहाल यहाँ देखो भाई दोस्तों, हमारे गांव में ना क्या चुकापट हो रखा है भाई, एक भी आदमी नहीं दिख रहा है, जो भी आदमी है ना वो सारे खेतों में निकल चुके हैं। और दोस्तों सब्जी के बेलों को तो क्या ही कहना भाई, आजकल सबके घरों में ना ऐसे करके ठंगरे लगा दिए गए हैं और सब्जी भाई अपने किचन गार्डन से, अपने गुठियार से ही निकालो और सीधा चूल्हे में चढ़ाओ। देखो सबके ऐसे ही बेल हो रखे हैं सबके गुठियारों में। तो चलो भाई दोस्तों जल्दी से मैं भी निकलता हूँ अपनी चंपावती की तरफ, और चंपावती को जाते जाते ना मेरे को आज सिलेंडर भी ले जाना है, क्योंकि 16 तारीख को सिलेंडर भरा जाएगा, तो सिलेंडर भी ले जाना है और बाकी भूरी के बच्चे को भी ले जाना है। तो भूरी के बच्चे का नाम क्या रखें तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, लड़की है तो लड़की का नाम कुछ प्यारा सा होना चाहिए, हमारे डॉली का साथ ही हो गया। और फाइनली दोस्तों चंपावती में पहुंच चुके हैं हमारे भूरी, और डोला तो यही रहता है, तो डोला देख रहा है अब कि कौन आ गया, ये डोला कौन आ गया, तेरा साथ ही है वो। वो देखो वो थोड़ा नाराज हो रखा है कि बोल मेरे होते हुए बोल उसको भी ले आए दो। और इसके देखो इसकी क्या बुरी हालत की हुई है यार, कितना गहरा पंजा मारा हुआ है भाई साहब, और यहाँ भी मार रखा है, पता नहीं भगवान के उससे कैसे बच गया ये। हाँ तो भाई दोस्तों आज आपको ना एक प्यारी सी खुशखबरी देने वाला हूँ, जो मेरे जिंदगी का सुकून वाला पल है ना, तो वो आज आ गया है। आप लोगों की वजह से ये हो पाया, तो आज मेरा एडसेंस पिन आ गया है, तो मैं काफ़ी भाई साहब काफ़ी खुश हूँ। अभी अभी पता चला है, वैसे यहाँ नहीं आया, अगर मैं गांव में मंगवाता तो काफ़ी लेट हो जाता, तो मैंने दिल्ली ही मंगवाया, तो दिल्ली वो पहुँच चुका है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो शेयर करते रहिएगा और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आजकल
बहुत ज़्यादा ऑडियंस हमारी ऐसी आ रही है कि जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके जा रहे हैं, लाइक करके जा रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब मेन है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई दोस्तों हमको ज़्यादा उसका फल नहीं मिल पाएगा। अरे खुशखबरी आ गई है, हमारा पिन आ गया है। वो जो पिन आता है फर्स्ट में, जाओ भगवान। हम बोले हर हर महादेव। खुशी नहीं है तुमको? खुशी क्यों नहीं है? अरे बाजी बोल के कर मोबाइल, अब हजार चार हजार बना लो एक बोल, वो क्या बोल दे सब्सक्राइबर कद का होगी क्या होगी, बोलो को कोई बोला ना नहीं तो क्या कर मऊ दिया मैं वीडियो बना मऊ ना बाजी कुछ नहीं बोला फूक चल चल ठीक से जानू मैं ठीक से तो छोड़ दो। अच्छा बोला देख लिया ते बोझ भी वो भी सुन मर रही आदमी आदमी यार मुंह कर लिया फोन तो सुन दो चीज ठीक है माई या। तो अभी भाई दोस्तों नाश्ता भी बढ़िया से हो गया है और 12 बजे मेरा नाश्ता हो रहा है और यहाँ देखो डोला महाराज ना छुटकी को देखते रह रहा है, तो मैंने ना इसका नाम छुटकी रख दिया है, तो छुटकी जैसा है तो इसका नाम छुटकी। और फिलहाल दोस्तों हमारे चंपावती के किचन में ना अभी कड़ी बन के रेडी होने वाली है, तो अम्मा ना 12 बजे से ही दिन का खाना बनाने लग गई है। घास का काटा है? अच्छा घास नहीं काटा है अभी, अच्छा। तो तीन तीन बॉडीगार्ड तो हमारे चंपावती के हो गए भाई, छुटकी हो गया, डोला हो गया और यहाँ देखो भूरी हो गया, तो भूरी भी मस्त से सोया है अभी। जो हमारे इस खेत में ना भुट्टे थे मतलब मुंगरी थे, तो उन मुंगरियों को सारे खत्म हो गए ना, तो यहाँ से पूरा साफ कर दिया गया है और इसमें अब ना कल या परसों में जब धूप होगी ना तो थोड़ा सा सूख जाएगा, अभी गीला है, तो इसमें लहसुन लगाएंगे पूरा। चलो भाई दगड़ो साथ ही साथ सरकारी ड्यूटी पे भी निकलते हैं और बाखली किसी का अभी भूत पूजा है ना, तो देखते हैं वहाँ। आज खड़ोलिया और मुर्गा था, मतलब भूत तगड़ा वाला था, तो बड़ा सा मुर्गा और खड़ोलिया था, तो उसका सपाचट कर रहे हैं वो इधर, तो आज बकरियों के साथ उन्हीं के साथ टाइम पास होगा। अभी भाई दोस्तों देखो कोहरा कैसे सरक रहा है भाई, कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, खतरनाक भाई। जैसे बकरियों में आओ ना वैसे ही कोहरा लग जाता है थोड़ा बहुत। फिलहाल अभी चलते हैं और गधेरे कल के परसों के बारिश से ना गधेरे देखो कितने खतरनाक आए हैं। अबे देखो भाई दोस्तों उन्होंने ना जो भूत पूजने आए थे उन्होंने यहीं पे भूत पूज दिया भाई, सड़क से थोड़ा सा भी ऊपर नहीं गए, सीधे सड़क में आए और यहीं पे वहाँ देखो चूल्हा लगा रखा है और यहीं पे पूज दिया, मतलब थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाना चाहते लोग। और यहाँ पे देखो भूत कुछ इस तरह पूजा जाता है, वैसे वो भूत नहीं होता, उसको बोला जाए तो वो भी एक प्रकार के देवता ही होते हैं, तो यहाँ पे पूज रखा है। अब यहाँ पे 3 दिन का केयर रहता है कि 3 दिन से पहले ना कोई नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो चले जाते थे। वैसे यहाँ पर नारियल नहीं है ना, अगर नारियल होता तो मैं यहाँ से उठा के खा लेता, पहले भी हम ऐसा ही करते थे। जा अरे उल मार देना। वेर मारना चाहो? हेलो करो, हेलो हेलो, ये हेलो मारो छुटकी। चलो भाई अभी घर में पहुंच चुके हैं और अम्मा ने भी मस्त चाय बना दी है। और अम्मा और सुनाओ तब की हाल चाल है तुम्हारे? अरे क्या हाल चाल, वही हाल थी आज भूत पूजा है मातम ने, मैं तो खरोली का ही हूँ। जब आ लेती पर सभी भूत पता चल लेती था साला, आने भी चाहिए भूत इनका तो नहीं आता, तो तब बता मुझे पता नहीं कहता खरोले वाला खरोला। जब भूत पूज दिए तो 3 दिन आ गए, मैं कह रही 3 दिन तक कोई नहीं छोड़े ना नहीं कर दई। हां चल जब आल तो पूजा दिया। हां जब आ जाएगा तो तब पूछ देना मेरा भूत। हां तब जैसे हम लोगों के खड़े रहे अब होगी तेरे दर मौका लो कल आन बस गया ना दैड़ा की ना। हां
आगे कॉलो कॉलो चलो थोड़ा चाय पीते हैं। यहाँ देखो भाई दोस्तों, इनको क्या झगड़े हो रखे हैं। चुटकू भाई दगड़ियों देखो, कोरा भाई साहब कितना घना लग गया है। तो अभी हम जा रहे हैं घर को, और आजकल ना अब जैसे ना छुटकी भी हमारे साथ आ गया है, तो डॉलर मेरे साथ ही चल रहा है, और छुटकी अम्मा ना अम्मा ला रही है छुटकी को ऐसे चला चला के, तो तब उसको आदत बनी रहेगी, तो उसको ऐसे ही हिटाल के ला रहे हैं, मतलब पैदल चलवा के ला रहे हैं, तो वो भी मस्त से आ रहा है। देखो आम है ऐसे ही, अगर इसको रोज ऐसे गोदी पे नहीं लाना है, अब इसको ऐसे ही चला के लाएंगे तो फिर आदत बनी रहेगी इसकी पैदल चलने की।